21 दिन को 11 दिन में कर दिया है, ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारे स्कूल की जो बहुत सारी महिला टीचर हैं वो फेस्टिवल्स में क्लास नहीं करवा सकती है। बहुत सारे फेस्टिवल है, जैसे आपको तीज हो गए, जितने अगर वो स्कूल आती हैं सरकार के फैसले को मानकर, अगर वो स्कूल आती हैं, अगर उनके वो बीमार पड़ती है या कुछ भी होता है उनको, ये जिम्मेदारी किसकी है? विद्यालय पर आएगी। और जब ऐसा बार बार होते रहेगा तो स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे स्कूल छुट्टी कैंसिल करने का ये बहुत गलत है, ये सरकार को रिड्यूस करना चाहिए। जब तक कि हम लोग का पहले वाली छुट्टी फिर से लागू ना हो जाए। बच्चे आते हैं सर, आज वही हम बच्चों से भी पूछ रहे थे, आप लोग को देखे तो, कि तुम लोग बताओ कि कल क्यों नहीं आए थे, तो मैम हम लोग रक्षाबंधन मना रहे थे। कल ही रक्षाबंधन था, हम लोग तो आ गए, बच्चे आए ही नहीं। दो चार बच्चे किसी तरह आए जिनको फोन करके हम लोग बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे। तो जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम लोग आके क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षकों की छुट्टी में कटौती को लेकर लगातार जो शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको हम कल भी तस्वीर दिखाए थे कि किस तरह से तमाम जो शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि क्लास रूम में जो शिक्षक हैं वो हाथों में काला बिल्ला बांध कर पढ़ा रहे हैं इस बच्चों को। और जिस तरह से कहें तो लगातार जो शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? मैम, आप लोग काला बिल्ला बांध कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग करना चाहते हैं कि जो हम लोग की छुट्टी है उसमें कटौती हो गई है, इसलिए हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। कब तक विरोध प्रदर्शन होते रहेगा? जब तक कि हम लोग का पहले वाली छुट्टी फिर से लागू ना हो जाए। कल तो आप लोग आदेश को जलाए थे, आप लोग शिक्षक जो हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग कटौती किया गया है और महिलाओं को खास करके, तो क्या कहिएगा सरकार को? सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग अपना कार्य दिवस में पूरी तरह से काम करेंगे निष्ठा से, लेकिन जिस तरह से हम लोग का तीज जीतिया ये सब त्यौहार है उसमें छुट्टी की कटौती नहीं किया जाए। क्योंकि उस दिन हम लोग स्कूल तो आ जाएंगे, सरकार के नौकर हैं तो उनकी आदेश को तो मानेंगे, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन त्योहारों में देखा जाता है बच्चे भी कम पढ़ने आते हैं, कल भी देखा गया बहुत कम, बिल्कुल कम, ना के बराबर बच्चे आते हैं सर। आज वही हम बच्चों से भी पूछ रहे थे, आप लोग को देखे तो, कि तुम लोग बताओ कि कल क्यों नहीं आए थे, तो मैम हम लोग रक्षाबंधन मना रहे थे। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि कम से कम त्योहारों में, मतलब हम लोग को ये त्योहार मनाने दें, पूरी तरह से हम लोग अपना उसका एंजॉय कर सके त्योहारों का। देखिए ऐसे में तमाम जो शिक्षक हैं काला पट्टा, मैम आप लोग काला बिल्ला बनते लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा मैम? जब तक सरकार कुछ फैसला ले, और क्या, कुछ हम लोग के हक में फैसला ले। क्योंकि देखिए मेन है कि कोई भी पर्व होता है, जैसे दशहरा होता है, बच्चे तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो जब बच्चे, कल ही रक्षाबंधन था, हम लोग तो आ गए, बच्चे आए ही नहीं। दो चार बच्चे किसी तरह आए जिनको फोन करके हम लोग बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे लोग। तो जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम लोग आके क्या करेंगे? तो हर फेस्टिवल में, जैसे हम लोग का तीज है, जितिया है, बिल्कुल हम लोग बिना पानी के रहते हैं, तो कैसे आएंगे? छोटे छोटे बच्चों के साथ लगातार खड़ा होके बोलना पड़ता है, खास करके महिलाएं शिक्षकों के साथ, ये महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है। सही, बहुत प्रॉब्लम। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए। देखिए तमाम शिक्षक हैं जो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि तमाम जो काला पिल्ला बांध कर भी मैम हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा मैम? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं काला बिल्ला बांध कर? काला बिंदा बांध कर हम लोग इसलिए क्लास ले रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी सरकार है जो साल भर की छुट्टियों 21 दिन को 11 दिन में कर दिया है, ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारे स्कूल की जो बहुत सारी महिला टीचर हैं वो फेस्टिवल्स में क्लास नहीं करवा सकती है। बहुत सारे फेस्टिवल है, जैसे आपको तीज हो गए, जितने अगर वो स्कूल आती हैं सरकार के फैसले को मानकर, अगर वो स्कूल आती हैं, अगर उनके वो बीमार पड़ती है या कुछ भी होता है उनको, ये जिम्मेदारी किसकी है? विद्यालय पर आएगी। और जब ऐसा बार बार होते रहेगा तो स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे स्कूल छुट्टी कैंसिल करने का ये बहुत गलत है, ये सरकार को रिड्यूस करना चाहिए छुट्टी। और जब तक ये नहीं होगा हम लोग ऐसे ही काला बिल्ला बांधकर क्लास को लेते रहेंगे। जिस तरह से सरकार है 220 दिन तक का कहा गया कि कार्य करना है, इसलिए ये छुट्टी को कटौती की गई है, सरकार को इस फरमान कैसे देखो? ये सरकार को, ये भी जो भी छुट्टी कैंसिल की गई है ये गलत है, इसको सरकार को बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये कहीं भी सही नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे बहुत सारे टीचर्स इसके विरुद्ध हैं सर, इसलिए सरकार को ये छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए, छुट्टी को बढ़ानी चाहिए, रिड्यूस कर। जब तक सरकार वापस नहीं आएगी जब तक प्रोटेस्ट आप लोग जारी रहेगा? हाँ, ये प्रोटेस्ट हम लोग का जारी रहेगा, हम लोग ऐसे ही काला बिल्ला बांध कर हम लोग अपने क्लास को लेते रहेंगे।